प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम ने करवट बदल ली है, जिससे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी व मध्यवर्ती इलाकों में बारिश दर्ज की गई। राजधानी शिमला में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। 12 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लाहौल स्पीति, किन्नौर व कुल्लू की चोटियों में बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के कोक्सर में 41 सेंटीमीटर, केलोंग में 23 सेंटीमीटर व कोठी में 35 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। उन्होंने बताया कि शिमला व किन्नौर में पिछले वर्षों की तुलना में कम बर्फबारी हुई है। बारिश पिछली तुलना में -16% कम हुई है। घंटे की बात करें तो प्रदेश में मतलब मेनली बहुत से स्टेशनों पे वेदर ख़राब रहा है, और इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, यहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। अगर अमाउंट की बात करें तो जो हाईएस्ट स्नोफॉल थी वो 41 सेंटीमीटर कोक्सर में लाहौल स्पीति में रिपोर्ट की गई थी, वहीं किलोंग में 23 सेंटीमीटर के आसपास, कोठी की बात करें वहाँ 35 सेंटीमीटर रिपोर्ट की गई थी। शिमला की बात करें तो वहाँ हल्की मतलब 2 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट की गई है स्नोफॉल हाई रिचेज में, और किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। और बारिश की बात करें तो मनाली, चंबा में आपके मॉडरेट से 40 एमएम के आसपास बारिश रिपोर्ट की गई है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन, ऊना और हमीरपुर, यहाँ पे एक दो स्थानों पे हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। अभी ये जो एक्टिविटी है ये आज भी जारी रहेगी, और कल भी जो हमारे मिड हिल्स और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर हल्की बारिश और जो हाई रिजेज में स्नोफॉल होने की संभावना है। आज 10 और कल 11 तारीख तक मौसम अभी ऐसे ही बना रहेगा। आगामी 24 घंटों तक मतलब अभी भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। फिर 12 तारीख से मुख्यतः से प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा, और 16 तारीख तक फिर कोई ऐसी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। तो स्नोफॉल की अगर हम बात करें तो जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला में पिछले वर्ष के कंपैरिजन मतलब काफ़ी कम स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। डिस्ट्रिक्ट की नॉर्म में भी पिछले वर्ष के मुकाबले कम स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। वहीं कुल्लू और अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ कंपेरेबल है पिछले वर्ष की तुलना। और अगर उसकी बात करेंगे कितना कम चल रहा है, तो अभी देखिए जो जनवरी और फरवरी से लेकर अभी तक पूरे प्रदेश में -16% के आसपास अभी मतलब बारिश सामान्य से कम आंकी गई है, जो आंकड़े हमारे पास अभी मौजूद हैं। तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू और सिरमौर है वहाँ भी मतलब कम है अभी, मतलब -6 और 9% के आसपास बारिश है। और वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा और ऊना, वहाँ पे सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई अभी जनवरी से लेकर फरवरी तक। न्यूनतम तापमान है वो उसमें पिछले 24 घंटों में ग्रेजुअली 2 से 3 डिग्री की राइज हुआ है, और अभी ये जो तापमान है इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा आगामी 24 घंटों में। परंतु जैसे 12 तारीख से जैसे ही मौसम खुलेगा तो 12 तारीख की सुबह से जो न्यूनतम तापमान है उसमें फिर से 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। फिर क्या है, 14 तारीख से एक फीवर WD मतलब जो वेस्टर्न हिमालय रीजन है उसको अप्रोच करेगा। हालांकि उससे हिमाचल प्रदेश में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, परंतु 14 तारीख से जो न्यूनतम तापमान है उसमें फिर से ग्रेजुअली राइज करेंगे 2 से 3 डिग्री।